स्वागत है एक बार फिर से। अब आप बोलेंगे सर आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। बेटे जब भी बारिश होती है ना तो मेरे को बड़ा मजा आता है, और बहुत दिन के बाद दिल्ली में बारिशों का मौसम है। इट्स अ लवली क्लाइमेट, वेरी इंटेंटिंग वेदर आफ्टर ए स्कॉचिंग हीट एक्चुअली नाउ वी आर फेसिंग। सो नेचुरली वी आर फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी एलाइटेड, एंड नथिंग थ्रिल्स मी लाइक द रेन्स लेसिंग डाउन द सिटी। तो उम्मीद है कि तुम्हारे शहर में भी मौसम बड़ा खूबसूरत होगा। तो इस खूबसूरत मौसम में अब स्टार्ट करेंगे आज हम एक नए टॉपिक से बेटे, इसको बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का कॉन्सेप्ट शायद आपने सुना हो, शायद आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा हो, और कुछ लोगों में से आपको मालूम भी हो। बेटे क्या होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, कुछ पता है आपको? नाम से तो कुछ पता लग रहा है। एक स्टूडेंट ने कहा सर नॉन बैंकिंग लिखा है तो ये इसका मतलब नॉन बैंकिंग है, ये बैंकिंग का बिजनेस नहीं करती। नहीं बेटे ऐसा नहीं है, ये भी ऑलमोस्ट बैंकिंग कंपनी की तरह होती है। फिर इनका नाम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्यों रखा गया है? क्योंकि जो बैंकिंग कंपनीज हैं यानी कि जो बैंक्स हैं उनमें और नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज में काफी सिमिलैरिटीज हैं। करेक्ट, बैंक भी हम लोगों से डिपॉजिट लेते हैं, ये भी हम लोगों से डिपॉजिट लेते हैं, हमारे डिपॉजिट पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, ये लोग हमें भी इंटरेस्ट देते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो सिमिलरिटी तो बहुत है, 99% एक्टिविटीज तो आप मान के चलो बेटे सिमिलर हैं, लेकिन कुछ डिससिमिलरिटीज भी हैं। अब जो एनबीएफसीज हैं वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है जैसे मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट करा और मैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी भी मूवमेंट पर अपना पैसा बैंक से वापस मांग सकता हूं, डिमांड कर सकता हूं। लेकिन एनबीएफसी में ऐसा नहीं है। अगर एनबीएफसी में आपने जाके पैसा डिपॉजिट कर दिया फिर तो कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आपको वेट करना ही पड़ेगा। तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस देखने में आता है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब बैंक जो है आपने देखा हम चेक्स वगैरह एक दूसरे को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एनबीएफसी के केस में नहीं हो सकता। सपोज मेरा किसी एनबीएफसी में अकाउंट है और मैंने किसी को पेमेंट करनी है और मैंने एक चेक उसको दे दिया, तो ये चेक क्लियर नहीं हो सकता। इसका मतलब हम यू कह सकते हैं कि एनबीएमसीज डू नॉट व्हाट वी कॉल फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इश्यू चेक्स ड्रॉन ऑन इट। करेक्ट, तो ये छोटे मोटे डिफरेंस है। थोड़ा सा हम एनबीएफसी का थ्योरेटिकल पार्ट पहले लेंगे, छोटा सा चैप्टर है, हालांकि थ्योरेटिकली थोड़ा सा हम इसकी चर्चा जरूर करेंगे, तो फिर हम इसके क्वेश्चंस पे आने की कोशिश करते हैं। बाद में हम देखेंगे कि पहले तो एनबीएफसी क्या होती है। थोड़ा बहुत आइडिया मैंने आपको दिया कि जो एनबीएफसीज हैं ये भी कंपनीज एक्ट 1956 जिसको कि तुम आजकल कंपनीज एक्ट 2013 कहते हो उसमें रजिस्टर्ड होती हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो हम बाद में देखेंगे कि एनबीएमसीज जो हैं दे आर एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज एटसेट्रा, और इवन हायर परचेज, इंश्योरेंस कंपनीज, चिट फंड बिजनेस, हायर परचेज, लीजिंग कंपनीज फॉल अंडर द परव्यू ऑफ एनबीएमसीज। मैंने लेकिन यह भी कहा कि एनबीएफसी में और बैंक्स में थोड़ा सा फर्क होता है। उसके बाद बात में हम देखेंगे कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसीज हैं। जहां तक डिफरेंट कैटेगरीज का है उसमें दो, एक कैटेगरी तो यह है कि हम एनबीएफसीज को क्लासिफाई करते हैं डिपॉजिट लेने वाली कंपनीज में और डिपॉजिट नहीं लेने वाली कंपनी में। यानी कि हम कह सकते हैं कि एनबीएफसीज आर कैटेगराइज्ड इन टर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज इनटू डिपॉजिट्स एंड नॉन डिपॉजिट कंपनीज। फिर बेटे हम बाद में यह भी देखेंगे कि जो नॉन डिपॉजिट कंपनीज हैं उनको साइज के हिसाब से भी डिवाइड करा जाता है। करेक्ट, फिर हम देखेंगे कि जनरली जो हम डिवीजन करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी करते हैं। अब बेटे जहां तक एक्टिविटी का सवाल है, जब हम इस आधार पर एनबीएफसी का विभाजन करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो हम कहते हैं कि कुछ तो एसेट फाइनेंस कंपनी है। अब नाम से ही पता लग रहा है एसेट फाइनेंस कंपनी, यानी कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनका प्रिंसिपल बिजनेस जो है फिजिकल एसेट्स को फाइनेंस करना है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ये वो एनबीएफसीज हैं जिनका प्रिंसिपल बिजनेस जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है। इसी तरह लोन कंपनी है, इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है। बाद में कुछ और हम चीजें देखेंगे तो इसकी धीरे धीरे चर्चा होती रहेगी। बाद में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो एनबीएफसीज हैं उन सबके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है आरबीआई के एक्ट में, लेकिन कुछ एनबीएफसीज ऐसी हैं जिनके लिए अपने आप को आरबीआई में रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है। इज इट क्लियर?
फिर हम इसमें कुछ प्रोविजनिंग के एलिमेंट्स देखेंगे, जैसे कि हम बैंकिंग कंपनीज के चैप्टर में देखते थे। इससे पहले की क्लासेस में आपने बैंकिंग कंपनीज नाम का चैप्टर करा है, उसमें आपने देखा था कि आप प्रोविजनिंग करते थे, जो बैंक्स के डिफरेंट एसेट्स होते हैं जिनको तुम स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट्स कहा करते थे। तो इसी तरीके से एनबीएफसीज के भी जो एसेट्स होंगे उनको हम देखेंगे। पहले तो कुछ नई रूलिंग्स हैं, आजकल एक लेटेस्ट रूलिंग्स आई है, उस लेटेस्ट रूलिंग्स के बारे में भी चर्चा करी जाएगी। 17-18 में क्या प्रोविजन होंगे, 17-18 में क्या प्रोविजन होंगे, और 16-17 में आप में से कुछ लोग 16 और 17 में पेपर देंगे और 16-17 के फाइनेंशियल ईयर में पेपर देंगे, इसी तरह कुछ लोग 17-18 के फाइनेंशियल ईयर में पेपर देंगे। तो हम दोनों के प्रोविजंस की कुछ रूलिंग्स है उसकी चर्चा यहां पर जरूर करेंगे, क्योंकि कुछ नए प्रोविजंस हाल ही में अभी अभी गवर्नमेंट ने रिलीज करे हैं एनबीएफसीज के केस में। उसके बाद फिर हम, मैंने कहा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक तो इसमें यही है कि प्रोविजन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और फिर हम देखेंगे कि जो एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट नहीं, जो हायर परचेज एंड लीजिंग कंपनी है, तो हायर परचेज एसेट्स के केस में प्रोविजनिंग कैसे करी जाती है, ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ट्रिकिंग पॉइंट है, इसके बारे में फिर कुछ चर्चा होगी। अदरवाइज चैप्टर इज वेरी सिंपल। आप इसमें से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऑफकोर्स प्रैक्टिकल इज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। तो फिर हम अब स्टार्ट करते हैं एनबीएफसीज। आपको पहले थोड़ा सा मेरे साथ लिखना होगा, थ्योरेटिकल पार्ट पहले हम देखेंगे और फिर हम इसकी चर्चा आगे धीरे धीरे करेंगे। तो बेटे एनबीएफसी का चैप्टर आप लिखना शुरू करें मेरे साथ साथ। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज स्टार्ट करा जा रहा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और सिंप्लिसिटी के लिए हम इनको लिखेंगे आगे से एनबीएफसी, करेक्ट। पहले जरा मैं पेन थोड़ा सा ठीक कर लूं। इंक कलर पहले ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है बेटा। एनबीएफसीज में आप थोड़ा सा लिखें, मैंने बताया कि एनबीएफसी क्या होती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज ए कंपनी which is registered under the Companies Act, you can say 1956 or 2013, whatever you may like to say, and which are engaged in, as I said, business of loans or advances or acquisition of shares, stocks, bonds, debentures issued by the government or local authority or marketable securities, and further they may get themselves engaged in business of leasing, hire purchase or chit funds, correct? So, thoda sa maine kaha iske baare mein hum likhte hain, तो एनबीएफसीज मैंने लिखना शुरू करा, आप मेरे साथ साथ लिखना शुरू करें, ठीक है। एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएमसी इज अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड under the Companies Act, registered under the Companies Act. Correct? मैंने जैसा कि कहा कि ये जो कंपनीज होती हैं, इनका जो बिजनेस है मैनीफोल्ड है, तो डिफरेंट टाइप की एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, डिफरेंट टाइप की एनबीएफसीज देखने में आएंगी। तो आगे मैंने इसमें लिखा एनबीएफसीज may be engaged in business of loans, advances, acquisition of shares,
फटाफट लिखते हैं बेटे, आपको भी एक्विजिशन ऑफ शेयर्स लिखने की आदत डालनी है, डिबेंचर्स करेक्ट, देन सिक्योरिटीज, issued by the government, issued by the government, by the government, loans, advances, acquisition of shares or bonds, और जैसा कि मैंने कहा leasing, hire purchase, leasing, hire purchase, चिट फंड्स, चिट फंड्स तो बेटे आपको पता ही है बड़े स्कैम्स होते रहते हैं, आपको मालूम ही होना चाहिए कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ था कुछ टाइम पहले एक पर्टिकुलर स्टेट में, करेक्ट। एनीवे उसके बाद फिर मैंने हल्का सा यह बताया कि देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन एनबीएफसी एंड व्हाट वी कॉल बैंक, करेक्ट। तो उसको भी थोड़ा लिख लिया जाए क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड एनबीएफसी, तो वो मैंने यहां पर लिखा, अनलाइक बैंक्स का मतलब जैसे नॉर्मल जो बैंक्स होते हैं दे कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स बट एनबीएफसीज कान, अनलाइक बैंक्स एनबीएफसीज कांट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स, and unlike banks, NBFCs, बैंक की तरह जो NBFCs हैं, they do not form part of payment of settlement system, we can say they cannot issue checks drawn on it, so unlike banks NBFCs cannot form part of settlement system, cannot form part of settlement system, and that is the reason why they cannot what we call issue any checks which have been drawn on it. And cannot issue checks drawn on it. Correct. अब थोड़ा सा कैटेगरीज के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं बेटा, स्कूल थोड़ा पहले मैं इंक चेंज करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये आपने कहा तो मैंने कहा सर आजकल आप रेड पेन यूज नहीं कर रहे हो, बच्चे कहने लग गए हैं, तो डिफरेंट कैटेगरीज, कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसीज, कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसीज, या टाइप्स, ठीक है। अब मैं वापस इसको ब्लैक पे आ जाता हूं। तो बेटे जहां तक सवाल है एनबीएफसीज की कैटेगरी का, मैंने कहा कि एनबीएफसीज आर कैटेगराइज्ड आइदर ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट एंड नॉन डिपॉजिट कंपनीज, सिमिलरली एनबीएफसीज आर क्लासिफाइड इनटू व्हाट वी कॉल डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड समटाइम्स दे आर क्लासिफाइड इनटू व्हाट वी कॉल on the basis of activities, correct. So categories of NBFCs, lekin jo different type of NBFCs dekhne mein aati hai, maine aap pehle baat ko samjhiye, ek to deposit hai, non deposit companies hai, simple words mein it's a broad classification,
अब जो नॉन डिपॉजिट कंपनीज हैं उनको भी हम साइज के हिसाब से डिवाइड करते हैं। जो बड़ी होती हैं उनको हम कहते हैं सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट कंपनीज, करेक्ट। और जो बाकी जितनी भी नॉन डिपॉजिट कंपनी हैं हम उनको अदर NBFCs नॉन डिपॉजिट कंपनी कह देते हैं। तो कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट, ए ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट, ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट, ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट में मैंने बताया कि एक तो होती है डिपॉजिट, टेकिंग एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग, इसको यूं कहा जा सकता है। इज इट क्लियर टू यू? डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एंड नॉन एक्सेप्टिंग। आप डिपॉजिट टेकिंग भी कह सकते हैं एंड नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग कंपनी। सेकंड, नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग कंपनीज, करेक्ट। अब मैंने ये बताया, मैं जरा अगली स्लाइड ले लूं क्या? ठीक है सर, ले लो एक सेकंड के लिए बेटा थोड़ा सा। तो नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। अब अभी अभी मैंने बताया कि जो नॉन डिपॉजिट कंपनीज होती हैं, नॉन डिपॉजिट की भी आगे दो फर्दर सब डिविजन है, करेक्ट। नॉन डिपॉजिट टेकिंग, तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट टेकिंग, कि दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, करेक्ट। नॉन डिपॉजिट टेकिंग जो है, एक तो हम कहते हैं उसमें नॉन डिपॉजिट सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कंपनीज, करेक्ट। नॉन डिपॉजिट सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बड़े, इस शॉर्ट फॉर्म पता है कैसे? NBFC, NDSI, नॉन डिपॉजिट सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। और बाकी जो नॉन डिपॉजिट कंपनी है उनको हम कह देते हैं अदर नॉन डिपॉजिट कंपनी, अदर नॉन डिपॉजिट सिंपल वर्ड्स में जो नॉन डिपॉजिट कंपनी है जिनका साइज बड़ा है उनको तो नॉन डिपॉजिट सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कहा जाता है, और जिनका साइज थोड़ा सा छोटा है उनको अदर की कैटेगरी में रखा जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका यह है NBFC, ND, ND, नॉन डिपॉजिट। समझ में आ गया? हम कैटेगरीज की बात कर रहे थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप, बाय द काइंड ऑफ एक्टिविटीज, बाय द काइंड ऑफ एक्टिविटीज, बाय द काइंड ऑफ एक्टिविटीज, बाय द काइंड ऑफ एक्टिविटीज मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम एनबीएफसी का क्लासिफिकेशन करते हैं तो इस बेसिस पर करते हैं, बाय द काइंड ऑफ एक्टिविटीज। तो इस एंगल से देखने में यह आता है कि जो एनबीएफसी हैं, एक तो है एसेट फाइनेंस कंपनी, एसेट फाइनेंस कंपनी, एसेट फाइनेंस कंपनीज, एसेट्स फाइनेंस कंपनीज, जिनको शॉर्ट फॉर्म में तुम AFC लिखते हो, कहते हो या पढ़ते हो, करेक्ट।
उसके बाद वो एसेट फाइनेंस कंपनी, बेटे नाम से ही पता लग रहा है इनकी, इनका प्रिंसिपल या प्राइमरी जो या चीफ या सिग्निफिकेंट जो बिजनेस है वो एसेट की फाइनेंसिंग का है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट कंपनी बी, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, तो वो एनबीएफसीज जिनका प्राइमरी बिजनेस इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज है, करेक्ट। बट मैं बहुत ज्यादा लीगल जार्गन में नहीं जाना चाहता। आईसी मींस ए कंपनी व्हिच इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैरिंग ऑन एज इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एज एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी। नाम से ही पता लग रहा है इन्वेस्टमेंट, तो सिक्योरिटी शेयर्स वगैरह से तो इनका रिलेशन होगा ही होगा। फिर आती है बेटा लोन कंपनी, जरा तुम बताओ इसका मीनिंग क्या है। नाम से ही पता लग रहा है बेटा, तो बिल्कुल ठीक कहा। लोन कंपनी का मतलब जिनका जो प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन, प्रिंसिपल जो बिजनेस है वो है लोन या एडवांसेस देना। इज इट क्लियर टू यू? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी को कुछ इस तरीके से डिफाइन करा जाता है, हालांकि इतनी लीगल जार्गन की हमें जरूरत तो नहीं है, जस्ट फॉर द नॉलेज सेक, जिनका टोटल जो साइज है फाइनेंशियल साइज उसका 75%, इसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहेंगे या फाइनेंस की लैंग्वेज में कहेंगे कि जो मेरी एसेट्स हैं, एसेट की जो साइज है उसका 75% पोर्शन जो है वो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज में डिप्लॉय करके रखा हुआ है, और जिनकी की नेट ओन्ड फंड जो पहले की रूलिंग्स थी 300 करोड़ है एटलीस्ट, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में आएंगी। लेकिन मैंने बाद में आपसे कहा था, इनफैक्ट शुरुआत में मैंने कहा था कि मैं बाद में जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आई है थोड़ी उसकी चर्चा हम करेंगे। हम बाद में देखेंगे कि जो नेट ओन्ड फंड है उसके बारे में कुछ रिवाइज लिमिट्स आ गई है, वो हम बाद में इसके बारे में हल्की सी चर्चा करेंगे। इज इट क्लियर? फिर इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड कंपनीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड, नाम से ही पता लग रहा है। ऑफ कोर्स ये वो कंपनीज हैं विच एक्चुअली फैसिलिटेट द लॉन्ग टर्म डेप्ट्स इनटू इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। इज इट क्लियर टू यू? तो इन कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस ये है। इसी तरह फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, सर काफी हो गई, काफी नहीं हुई बेटा अभी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी फिर मैंने आपको बताया कि मेन अगला पॉइंट क्या है। इससे पहले कि मैं अगला पॉइंट लिखूं, जरा मैं इंक का कलर फिर से चेंज करूं। तो नेक्स्ट जो मैं चर्चा करूंगा वो मैं करूंगा रजिस्टर विद द आरबीआई, रजिस्ट्रेशन विद द आरबीआई। मैंने कहा कि एक कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ कोर्स 1956 or 2013, करेक्ट, मोर और लेस इफ इट इज डिजेरियस ऑफ व्हाट वी कॉल स्टार्टिंग ए बिजनेस ऑफ नॉन बैंकिंग, देन इट मस्ट गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड विद द व्हाट वी कॉल आरबीआई। समझ में आ गया? आरबीआई के साथ इनका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट मैंने यही लिखा, ये तो चेंज ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बेटे इसी में लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई, रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई, रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई। तो इसका मतलब जितनी भी एनबीएफसीज हैं, उसमें मैंने लिखा नहीं सिर्फ बताया कि जितनी भी एनबीएफसीज हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। हालांकि हम बाद में देखेंगे कि कुछ ऐसी
एनबीएफसीज हैं जिनके लिए रजिस्ट्रेशन एनबीएफसीज के साथ कराना जरूरी नहीं है। इसका मतलब यह हो गया कि जितनी भी एनबीएफसीज कंपनी है, मोर और लेस मैंने देखा कि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगी पब्लिक से, लेकिन उनके जो फंक्शनिंग है, बिजनेस है, वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, करेक्ट। अब एक चीज, जब तुम एनबीएफसीज के बारे में पढ़ते हो तो तुम्हें तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि इनको रेगुलेट करने वाले केवल आरबीआई है या फिर कंपनीज एक्ट है या फिर सेबी है। हम देखेंगे कि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट, डिफरेंट एनबीएफसीज में डिफरेंट रेगुलेटर्स हो सकते हैं। जैसे कि जस्ट टू साइट वन एग्जाम्पल, जैसे कि जो चिट फंड कंपनीज, अब चिट फंड कंपनीज की रेगुलेशन जो होगी क्या वो आरबीआई के थ्रू होगी या वो कंपनीज एक्ट के थ्रू होगी? नो, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, करेक्ट, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट इनको रेगुलेट करेगा, करेक्ट। इसी तरह से जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, जैसा कि आप जानते ही हो, आपने पढ़ा ही हुआ है इंश्योरेंस, इनकी रेगुलेशन जो होगी वो एडा से होगी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एडा, इनकी जो रेगुलेटर होगी वो एडा होगी। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरह से कुछ हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड एनबीएफसीज हैं, हाउसिंग फाइनेंस का जहां तक सवाल है, इनको रेगुलेट करता है नेशनल हाउसिंग बोर्ड, NHB, नेशनल हाउसिंग बोर्ड। जस्ट फॉर नॉलेज से तुम्हें यह मालूम होना चाहिए। इसी तरह से कुछ एनबीएफसीज होती हैं जो वेंचर कैपिटल फंड में डील करती हैं, वेंचर कैपिटल फंड। तो ऐसी एनबीएफसीज जो वेंचर कैपिटल फंड में डील करती हैं, उनको रेगुलेट करेगा सेबी। समझ में आया? उनको कौन रेगुलेट करेगा? सेबी करेगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसी तरह से जो म्यूचुअल फंड कंपनी है या मर्चेंट बैंकिंग को भी रेगुलेट सेबी करता है। आपने सुना है बेटे मर्चेंट बैंकर्स के बारे में? मर्चेंट बैंकर्स, हम इसका अगला एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में डेफिनेटली हम चर्चा करेंगे, हालांकि उस सेल्फ स्टडी पर्पस के लिए। वैसे मर्चेंट बैंकर्स जो होते हैं, बाद में देखेंगे कि कंसल्टेंसी देते हैं मर्जर्स में, एक्विजिशंस में, शेयर्स में, सिक्योरिटीज में वगैरह वगैरह, एंड दे चार्ज ऑफ कोर्स सम फी फॉर द सेम। अभी मेरी और जब आपकी बातचीत चल रही थी, डिफरेंट रेगुलेटर्स, आपने सुना होगा कुछ स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, ये भी एनबीएफसीज में आते हैं, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज, इनको रेगुलेट कौन करेगा? सेबी। निधि कंपनीज, कुछ एनबीएफसीज हैं जिन जो कि निधि एक्चुअली इज अ वर्ड, ये हिंदी का ही है, निधि का मतलब है धन यानी कि पैसा, तो निधि कंपनीज और इनको रेगुलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, समझ में आ गया? अब आपने, मैंने ये बेटे थ्योरेटिकल नोट्स पे इतना स्ट्रेस इसलिए करा क्योंकि इस चैप्टर में कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन थ्योरेटिकल नोट से रिलेटेड आ जाते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा स्ट्रेस करना भी पड़ेगा। अब जो नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं, हम ये देखेंगे कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, उनकी कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज भी होती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे मर्चेंट बैंकिंग, बिल्स डिस्काउंट करना, हाउसिंग फाइनेंस है, लीजिंग एंड हायर परचेज फाइनेंस है, वेंचर कैपिटल फंड्स है, इन्वेस्टमेंट है, मर्जर्स, एक्विजिशंस, अमालगमेशंस हैं, तो ये सारी चीजें भी तुम्हें मालूम होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? तो अब अगला जो पॉइंट आता है, एक तो टाइप्स के बारे में आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए,
और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा करने से पहले थोड़ा सा अब हम आएंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में। बेटे नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि कुछ नई गाइडलाइंस आ गई हैं, तो नई गाइडलाइंस को हमें देखना पड़ेगा। जरा मैं एक मिनट अपने पेज नंबर यहां पर सेट कर लूं। करेक्ट, आप भी फटाफट आ जाएं। अब आप फटाफट क्वेश्चन नंबर वन को निकालें। और मैंने लास्ट में आप देख रहे हो लिखा हुआ है लेटेस्ट ऑन एनबीएफसीज, और मैंने लिखा है सोर्स बिजनेस स्टैंडर्ड। बिजनेस स्टैंडर्ड जो न्यूज़पेपर भी है, मैगजीन्स भी है, एंड आपको भी लेटेस्ट इश्यूज देखते रहने चाहिए कि जो लेटेस्ट चेंजेस आए हैं यू विल, ताकि उनका उनके बारे में आपको मालूम हो। करेक्ट, एक मिनट जरा, प्रैक्टिकल पोर्शन मेरे पास अभी है नहीं, मैं एक मिनट निकाल लूं पहले उसको, प्रैक्टिकल पोर्शन को, फिर प्रैक्टिकल पोर्शन पे भी अब आना पड़ेगा। आप वेट कर रहे हैं, मेरे को मालूम है स्टूडेंट को तो फटाफट क्वेश्चन कराने पड़ते हैं। आइए बेटा, छोटा चैप्टर है लेकिन अभी इन दो पॉइंट्स पे हमें चर्चा करनी है और लेटेस्ट गाइडलाइंस के बारे में चर्चा करनी है। अब ये लेटेस्ट गाइडलाइंस की जो चर्चा है वो इन क्वेश्चंस के सहारे करी गई है। आप देख रहे हैं पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, राइट शॉर्ट नोट ऑन नॉन परफॉर्मिंग एसेट एज पर एनबीएफसी प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ आरबीआई डायरेक्शन। तो एनबीएफसी से रिलेटेड कुछ प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं जो कि आरबीआई ने दी हैं। अब वो लेटेस्ट नॉर्म्स क्या कहती हैं? लेटेस्ट नॉर्म से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए, इससे पहले भी बेटे आपने प्रूडेंशियल नॉर्म्स के बारे में पढ़ा है, लेकिन वो बैंकिंग कंपनीज के बारे में पढ़ा है, हम नॉन बैंकिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो करंट रेगुलेशन है, जो करंट रेगुलेशन है यानी कि जो एग्जिस्टिंग रेगुलेशन है, मैं बार बार कह रहा हूं यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। करेक्ट, क्योंकि अब इसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं और चेंजेस को आपने ध्यान में रखना है। एक और चीज मैं यहां पर जरूर कहूंगा, इस पर्टिकुलर टॉपिक को आपने जब एग्जामिनेशन आप देने जाएंगे उसके एक या दो महीने पहले आप साइट पर जरूर जाएं और बोर्ड ऑफ अनाउंसमेंट को जरूर देखें। करेक्ट, जो भी आपके प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसकी बोर्ड ऑफ अनाउंसमेंट्स को जरूर देखा करें, अगर उसमें कोई लेटेस्ट वर्जन आ जाते हैं तो उनको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। हमारी कोशिश तो यही रहती है कि इनकेस अगर आए तो हम आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेशन देते रहें, लेकिन फिर भी आपका भी ऑफ कोर्स इस लेवल पे आने के बाद मैंने कहा फर्ज है कि आपको इन चीजों के बारे में भी हल्की हल्की मालूमात होनी चाहिए। ध्यान से देखें, राइट शॉर्ट नोट और नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अभी तक रूल ये था कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हुआ करते थे वो ऐसे लोन्स होते थे जो कि ओवरड्यू होते थे 6 मंथ से, ये हमने पढ़ा हुआ है। करेक्ट, तो कोई मैंने लोन दिया है ओवरड्यू है 6 मंथ से, तो हम उसको एनपीए करार देते थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इज इट क्लियर टू यू? लेकिन अगर कोई एनबीएफसी हायर परचेज या लीजिंग में है, हायर परचेज या लीजिंग में है और उनके लीज रेंटल्स 12 महीने से ज्यादा से ओवरड्यू हैं, तो वो नॉन करेंट माने जा नॉन परफॉर्मिंग माने जाते थे। यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं, हम कह सकते हैं कि ऐसे लोन्स एंड एडवांसेस हैं विच हैव रिमेन्ड ओवरड्यू फॉर 6 मंथ्स और मोर फॉर लोन्स एंड ओवरड्यू फॉर 12 मंथ्स और मोर इन केस ऑफ लीज रेंटल्स और हायर परचेज। हायर परचेज और लीजेस के केस में टाइम ड्यूरेशन मोर देन 12 मंथ्स है, 12 मंथ्स और मोर है, और इन केस ऑफ अदर्स बाकी जितने भी लोन्स हैं उसमें 6 मंथ्स और मोर है। यानी कि अगर ओवरड्यू आपका पैसा 6 मंथ से ज्यादा का है या फिर 12 मंथ और उससे ज्यादा का है इन केस ऑफ लीज और हायर परचेज, तो उस केस में वो एसेट, लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब एसेट, वो एसेट जो है हम एनपीए जो है कैटेगराइज कर देते थे। ये तो कर देते थे क्या, कर देते हैं, ये तो हमारा करंट रूल है, एग्जिस्टिंग रूल है। लेकिन अब यहां पर आपको ध्यान देना है, इस रूल में थोड़े से चेंज आ गए और ये चेंजेस जो है बड़े फेज्ड मैनर में है। फेज्ड मैनर का मतलब अब इसमें चेंज ऐसे नहीं है कि इस डेट से अब ये रूल चलेगा। फेज्ड मैनर का मतलब PHASED, फेज्ड मैनर का मतलब है धीरे धीरे, रफ्तार रफ्तार। अब यहां आप जरा ध्यान दें, आप में से जो लोग 16 और 17 यानी कि 99% अगर आप पेपर देते हैं दिसंबर 2016 में, इसका मतलब आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 1/4/2015 से लेकर के 31st मार्च 2016। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया?
इसी तरह से आप में से कोई अगर पेपर नेक्स्ट ईयर में देगा तो इसका मतलब आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा चलेगा। अभी ये जो हमारा ईयर है 16 चल रहा है, इज इट क्लियर टू यू? आप दिसंबर में पेपर देंगे तो 31/3/2017 को ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, सॉरी। तो इसका मतलब आपका करंट ईयर जो है 1/4/2016 से लेकर के 31/3/2017 को खत्म हो रहा है। तो 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक जो रूल चलेंगे वो अप्लाई करेंगे वो स्टूडेंट जो पेपर देंगे दिसंबर या नवंबर में, सॉरी मेरे मुंह से दिसंबर निकल गया, नवंबर दिसंबर जो भी है, तो नवंबर दिसंबर में जो पेपर देंगे उन पर तो कुछ और रूल चलेंगे, और इसी तरीके से जो पेपर देंगे 1/4/2017 से लेकर के 31 मार्च 2018 के बीच में उसमें ये रूल देखे कुछ और रूल्स होंगे। अब ये रूल्स जो है फेस्ड मैनर के आपको कहां से मिलेंगे? मैंने अभी आपको बताया कि एग्जामिनेशन के एक या दो महीने पहले आपने बोर्ड ऑफ अनाउंसमेंट को ध्यान से, यहां पर इस पॉइंट का ध्यान रखना है आपने, बोर्ड ऑफ अनाउंसमेंट को, फिर कई बार स्टूडेंट ये पूछते हैं कोई अमेंडमेंट है या नहीं है, आपने भी इस फर्ज को निभाना है, बोर्ड ऑफ अनाउंसमेंट को जरूर देखें, उसमें फेस मैनर्स की रूलिंग दी हुई है। वैसे जो आपके पास अपना स्टडी मॉड्यूल है उसमें भी फेस मॉड्यूल की रूलिंग्स जरूर दी होगी। तो लेकिन ये हकीकत है कि बाय द एंड ऑफ 31 मार्च 2018 तक ये जो पीरियड है 6 मंथ्स का, इज इट क्लियर टू यू, 6 मंथ्स का या 12 मंथ्स का, इसको हम 90 डेज का पीरियड बना देंगे। बेटे अभी एग्जिस्टिंग रूल क्या है, ध्यान से सुने, एग्जिस्टिंग रूल है कि कोई भी लोन जो ओवर ड्यू होता है 6 मंथ्स और मोर, या फिर 12 मंथ्स और मोर इन केस ऑफ हायर परचेज एंड लीजिंग, उसको एनपीए मानते हैं। लेकिन फ्यूचर में अब रूलिंग क्या हो जाएगी कि कोई भी ऐसा लोन, चाहे वो कोई भी लोन हो, इज इट क्लियर टू यू, तो वो अगर 90 डेज और मोर देन डेट ओवर ड्यू होगा तो हम उसको एनपीए मानेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये अब एक लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है, मैं इसको लिखा देता हूं, आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पूरा ही लिखे, करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैंने कंप्लीट लिखा है, इसको ध्यान से लिखे, छोटे छोटे क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ये। मैंने क्या बताया, प्रेजेंट रूल क्या है, अकॉर्डिंग टू द करंट रेगुलेशंस, अकॉर्डिंग टू द करंट रेगुलेशंस, अकॉर्डिंग टू द करंट, अकॉर्डिंग टू द करंट रेगुलेशंस, अकॉर्डिंग टू द करंट रेगुलेशंस, an asset is classified as non-performing when it remains overdue for 6 months. When it remains overdue for more than 6 months for loans and overdue for 12 months or more in case of lease rentals, or higher purchase,
इंस्टॉलमेंट्स, करेक्ट? तो अकॉर्डिंग टू द करंट रेगुलेशन एन एसेट इज क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग व्हेन इट रिमेन्स ओवरड्यू फॉर 6 months फॉर लोन्स एंड ओवरड्यू फॉर 12 months और मोर इन केस ऑफ लीज रेंटल्स, इन केस ऑफ लीज रेंटल्स, करेक्ट, और हायर परचेज इंस्टॉलमेंट्स, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द करंट रेगुलेशन। अब आगे क्या है? अब जो लेटेस्ट रेगुलेशन है, करेक्ट, जो कि मौजूद है, आप साइट में भी जा सकते हैं, बिजनेस वर्ल्ड की, बिजनेस टुडे की, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की, आरबीआई की, तो इन साइट्स के मुताबिक द न्यू नॉर्म्स जो है वो क्या है? द न्यू नॉर्म्स proposed to reduce the period, मतलब जो यहां पर period है 6 months का और 12 months का, period in a phased manner, correct, so that the norms are at par with banks, विद बैंक्स। अब बेटे ये फेस्ड मैनर की नॉर्म्स क्या है? बेटे लेकिन मैं लिखा तो रहा हूं, लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आपने इस चीज को एक बार चेक कर लेना है एग्जामिनेशन से 2-3 महीने, एटलीस्ट 1-2 महीने पहले। इज इट क्लियर टू यू? तो न्यू नॉर्म्स के मुताबिक जो लोन्स हैं, द न्यू नॉर्म्स प्रपोज टू रिड्यूस द पीरियड इन ए फेस्ड मैनर सो दैट द नॉर्म्स आर एट पार विद द बैंक्स। अब बैंक में, बैंकिंग के बिजनेस में एनपीए कोई एसेट तब क्लासिफाई होता है जब ओवरड्यू पीरियड 90 डेज और उससे ज्यादा का होता है। सो सिंपल वर्ड्स में हम कहना यह चाहते हैं, या हम यू कहें कि नया सर्कुलर यह कहता है कि इस टाइम पीरियड को जो कि 6 महीने का है, इसको 90 महीने का यानी कि 3 महीने का बना दिया जाए। इज इट क्लियर टू यू? तो इसका मतलब है कि न्यू नॉर्म्स एट पार विद द बैंक्स, पहले मैं इसको लिखा दूं पूरा, बाय 31 मार्च 2018, बाय 31 मार्च 2018। और न्यू नॉर्म्स ये हैं कि जो पीरियड है, न्यू नॉर्म्स में पीरियड 90 डेज का है। तो ये आपने ध्यान रखना है, यानी कि अगर आपका पेपर 1/4/2017 से लेकर के 31 मार्च 2018 के बीच में है, तो आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन 90 डेज को लेकर के करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी एसेट जिसमें कि अगर ओवर ड्यू पीरियड 3 महीने से ज्यादा, 90 डेज का मतलब 3 महीने, 3 महीने से ज्यादा का हो जाएगा, तो आप उसको एनपीए क्लासिफाई करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? अगर आपका पेपर 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 31 मार्च 2018 के बीच में है, तब आपकी ये न्यू रेगुलेशन लागू होगी। लेकिन मैंने इस पॉइंट को लिखाने के बावजूद भी ये कहा कि इन्होंने वर्ड फेस्ड मैनर दिया हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो करंट रेगुलेशन है ये तो काफी टाइम पहले से चली आ रही है ना, पॉइंट ये है। तो हो सकता है कि इन बिटवीन, क्योंकि ये जो नई नॉर्म है ध्यान से देखा जाए ये 17-18 के लिए है, तो 16-17 के लिए
एग्जैक्टली न्यू नॉर्म्स क्या होगी इसके लिए आपको लेटेस्ट गाइडलाइंस का सहारा लेना पड़ेगा आपके बोर्ड ऑफ अनाउंसमेंट के थ्रू जो होगी. इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यहां तक बात समझ में आ गई. हो सकता है 16-17 में कुछ और मंथ्स दिए हो, हो सकता है कि उसमें 4 मंथ्स दिए हो. इज इट क्लियर टू यू? यानी कि जो ये पीरियड है करेंटली जो ये पीरियड है 6 मंथ्स का 12 मंथ्स का है. अगर आपका पेपर फॉर, क्योंकि ये फेस्ड मैनर में चेंज करा जा रहा है, मैंने कई बार इस बात को रिपीट कर दिया लेकिन मैं आखिरी बार अब कर रहा हूं, अगर आपका पेपर 1/4/2016 से लेकर के, जो कि ज्यादा चांसेस है, 1/4/2016 से लेकर के 31/3/2017 के बीच में अगर आपका पेपर है, तो हो सकता है कि आपके लिए नॉर्म जो है वो 6 मंथ्स की ना होकर के 4 मंथ्स की हो. इज इट क्लियर टू यू? और जिनका पेपर 1/4/2017 से लेकर के 31/3/2018 का है, उनके लिए ये डिसाइडेड है कि नॉर्म जो है 90 डेज की है. इसका मतलब ये हो गया, जिनका पेपर 16 और 17 में है वो नॉर्म को एक बार चेक कर लें कि वो 4 मंथ्स है या कुछ और रिवाइज कर दी गई है. इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब हमारी नजरों में जैसे ही वो न्यू नॉर्म्स का अगर कुछ आएगा, डेफिनेटली विल ट्राई टू लेट यू नो रिगार्डिंग द सेम. इज इट क्लियर टू यू? अब एक तो ये चेंज है और ये अपने आप में बहुत बड़ा चेंज है. अब उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन आपने देखा, मैंने जानबूझ के थियोरिटिकल क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट ऑफ एनबीएफसीज. क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी आपने बड़े बड़े ध्यान से समझने हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पर कर लेते हैं. स्लाइड चेंज करना मुझे अजीब सा लगता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहीं पर करते हैं. बेटे मुझे ये बताओ, कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट भी आपने बैंकिंग कंपनी में पढ़ा था, टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल, याद है आपको? टीयर 1 कैपिटल आप फाइंड करते थे अपनी शेयर कैपिटल ऐड कर करके, जितने भी फ्री रिजर्व्स थे ऐड करते थे, सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड करते थे, इंटेंजिबल एसेट माइनस करते थे, टीयर 1 कैपिटल आती थी, फिर आप टीयर 2 कैपिटल फाइंड करते थे. इजंट इट और नॉट? और कैपिटल एडिक्वेसी का जो टॉपिक है वो बेसिकली बेस्ले कमेटी ने बनाया हुआ है, जो और बेस्ले कमेटी के मुताबिक जो कि बैंकिंग कंपनीज के लिए है, अप्रोप्रिएट रेशियो 9% माना गया है बैंक की साउंडनेस को परखने के लिए, देखने के लिए. अब इसमें भी कुछ चेंज है. अभी तक एग्जिस्टिंग नॉर्म्स क्या है, पहले मैं एग्जिस्टिंग नॉर्म्स के बारे में लिख दूं. एग्जिस्टिंग के बारे में क्या कहते हैं? एग्जिस्टिंग नॉर्म यानी कि करंट क्या है. एग्जिस्टिंग का मतलब है जो अभी प्रीवेलिंग है, जो चल रही है. एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग में तो यह है कि जितनी भी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं या नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं, उनका जो एसेट साइज है, अगर 100 करोड़, बेटे 100 करोड़ कोई छोटी फिगर नहीं है, करेक्ट, 100 करोड़ अगर उनका एसेट साइज है, तो अभी तक की तो रूलिंग यह थी कि उनकी जो मिनिमम टीयर 1 कैपिटल है, टीयर 1 कैपिटल वो 7.5% की है या होनी चाहिए. तो एग्जिस्टिंग रूल तो ये है कि ऑल डिपॉजिट टेकिंग एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFCs with asset size of 100 crores to have minimum Tier 1 capital of 7.5%. करेक्ट. जहां तक सवाल ये है, अब जरा यहां देखें. अब
ये रूल बेटे जो है मैं जानबूझ के अगली स्लाइड ना लेकर के मैं इसको यहीं पर करने की कोशिश कर रहा हूं, यहां ध्यान दें। अब जो रिवाइज्ड रूल है, रिवाइज्ड एंड लेटेस्ट, रिवाइज्ड रूल क्या है? नॉन डिपॉजिट NBFCs with asset size of rupees 500 crores and above and all deposit taking correct NBFCs to maintain Tier 1 capital of 10% by the end of 31st March 2017 and they must maintain tier 1 capital of 8.5% by the end of March 2016। यानी कि सिंपल वर्ड्स में दोनों लोग, चाहे आप 16-17 में पेपर देंगे या 17-18 में देंगे, आपके लिए अब जो है कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट 10% की मानी जाएगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? और बेटे जब मैं ये नोट लिखा रहा था इसी पर एक चीज आपको और मालूम होनी चाहिए कि अब आरबीआई ने यह कह दिया है द मिनिमम नेटवर्थ ऑफ एनबीएफसीज विच वर ग्रांटेड लाइसेंसेस बिफोर 1999 वॉज रिटेन्ड एट 25 लाख। तो उसमें तो कोई चेंज नहीं है कि अगर आप एक एनबीएफसीज थे और आपको लाइसेंस मिल गया बिजनेस स्टार्ट करने का और आपकी जो नेट ओन्ड फंड्स थे अगर वो 25 लाख थे उसमें तो कोई चेंज नहीं है। लेकिन 1999 के बाद अगर आपको एनबीएफसी का बिजनेस स्टार्ट करने का लाइसेंस मिला है और उस वक्त आपकी नेट ओन्ड कैपिटल अगर कुछ भी थी तो अब वो कैपिटल जो है 2 करोड़ की होनी चाहिए। ये एक और नया चेंज है, बड़ा चेंज है। मैं लिखा देता हूं इसको जो कि आपको मालूम होना चाहिए। मैंने कहा एनबीएफसी में बड़े चेंजेस आए हैं, चेंजेस अकाउंटिंग चेंजेस तो क्या कह सकते हैं, लेकिन यह है कि कुछ चेंजेस जो है वो आपको मालूम होने चाहिए। अगर 1999 से पहले अगर आप एनबीएफसी थे, आपको सर्टिफिकेट मिल चुका था, उस वक्त आपकी कैपिटल 25 लाख की थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले लिमिट 25 लाख की थी। 1999 के बाद अगर आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है, लाइसेंस मिल चुका है बिजनेस स्टार्ट करने का, उस वक्त आपके नेट ओन्ड फंड क्या थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट अब रूल ये आया है कि 31st मार्च 2017 तक आपका नेट ओन्ड फंड्स 2 करोड़ का हो जाना चाहिए, अदरवाइज योर लाइसेंस विल बी रिवोक्ड, कैंसल्ड। इज इट क्लियर टू यू? ये जो गाइडलाइन है इसको मैंने लिखा है यहां पर, इसको ध्यान से आपने करना है, करेक्ट? ये गाइडलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस गाइडलाइन को लिखें। द मिनिमम नेटवर्थ ऑफ
द मिनिमम नेट वर्थ ऑफ द मिनिमम नेट वर्थ ऑफ NBFCs which were granted licenses before 1999, उसमें तो कोई चेंज नहीं लाए 1999 वॉज रिटेन्ड एट 25 लाख्स. यानी कि 1999 से पहले मिनिमम रिक्वायरमेंट नेटवर्थ की 25 लाख की थी किसी भी एनबीएफसी के लिए. लेकिन उसके बाद अब पोजीशन क्या है, 1999 के बाद अगर आपको कमेंसमेंट मिला है, लाइसेंस मिला है, तो उस वक्त आपकी कैपिटल फंड क्या थी या उस वक्त कितनी चाहिए थी इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट. स्टैंडर्ड कहता है भले ही आप रजिस्टर्ड एनबीएफसी हैं, लेकिन अब आपका जो नेटवर्थ होना चाहिए, जो नेट फंड होना चाहिए, वो 2 करोड़ का होना चाहिए. करेक्ट, ये चेंज है. नाउ ऑल एनबीएफसीज आर टू अटेन मिनिमम नेट ओन फंड ऑफ 2 करोड़ by the end of 31st 3 2017. तो ये कुछ लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं जिसके बारे में मुझे आपको बताना था. अब हम अकाउंटिंग एरिया पर आते हैं, लेकिन अकाउंटिंग एरिया स्टार्ट करने से पहले हम इस सेशन की समाप्ति यहां पर करेंगे. इसको आगे अभी हम जारी रखेंगे. टिल देन, लेट्स स्टार्ट.